पॉल एक प्रोजेक्शनिस्ट जो बोरियत से बचने के लिए एक रहस्यमय उपन्यास में एंग्रोसिड है। अपने बूथ पर लौटने से पहले रियायती स्टैंड पर पॉल की संक्षिप्त छेड़खानी एक रास्ता को तोड़ देती है। अचानक थिएटर अंधेरे में डूब जाता है। भयानक सन्नाटे के बीच आपातकालीन रोशनी टिमटिमाती है और पॉल को परित्यक्त सामानों के बीच एकमात्र जीवित व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। जैसे ही वह उजाड़ मॉल की खोज करता है, उसका सामना एक टॉर्चधारी सुरक्षा गार्ड से होता है जो उसका एकमात्र साथी है। हालांकि एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में गार्ड बेवजह गायब हो जाता है और अपने पीछे केवल अपने कपड़े और जूते छोड़ जाता है। इस बीच डॉक्टर रोजमेरी अपनी टॉर्च की रोशनी से अंधेरे को चीरते हुए अस्पताल के गलियारों में घूमती हैं। मदद के लिए उसकी पुकार अनुतरित होने के बावजूद हल्की हल्की कराहें उसे एक चमकदार रोशनी वाले ऑपरेटिंग कमरे में ले जाती हैं। अंदर एक आदमी सर्जिकल रोशनी के नीचे खुला पड़ा है। आपातकालीन बिजली की झिलमिलाहट के रूप में उसकी चेतना लौट रही है। एक चिंताजनक मोड़ में रोशनी गुल होने पर वह भी गायब हो जाता है। चिंतित रोजमेरी अपने बेटे मैनी को जोर जोर से पुकारती है। अगले दिन ल्यूक मोमबत्तियों की चमक के बीच उठता है जो उसकी प्रेमिका पेगे का एक रोमांटिक इशारा है। सुबह की रोशनी कमरे में भर जाती है लेकिन पेज अनुपस्थित है। ल्यूक विचित्रता से बेखबर काम के लिए निकल जाता है और बाहर निकलते समय कल का अखबार छीन लेता है। जब तक वह इमारत की लोबी में फेंके हुए चश्मे और कपड़ों पर कदम नहीं रखता, तब तक वह ऊपर देखता है और उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। जैसे ही ल्यूक उजाड़ सड़कों पर घूमता है, परित्यक्त कारें सड़कों पर कतार में खड़ी हो जाती हैं, जो भयानक खालीपन के मूक गवाह हैं। दूरी में एक विमान बिना सूचना के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अपने कार्यालय की ओर भागते हुए ल्यूक को अपने कदमों का पीछा करते हुए दालान में अंधेरे का अतिक्रमण होने का एहसास हुआ। अपने स्वयं के स्थान में ल्यूक फीकी तस्वीरों को छानता है। वह अंधेरे के करीब आने से अनजान होता है, जब तक कि छवि धुंधली होकर काली ना हो जाए उसे चौंका देता है। दिन धुंधलेपन में बीतते हैं। शहर की रात की सड़कें अब ल्यूक का एकांत क्षेत्र हैं। हाथ में कसकर पकड़ी गई टॉर्च और गर्दन पर छोटी छोटी रोशनियां सजाए हुए ल्यूक परित्यक्त कारों की खोजबीन करता है, इस उम्मीद में कि कोई ऐसी कार मिल जाए जो फिर से चालू हो जाए। निराशा बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रत्येक कार हठपूर्वक निष्क्रिय साबित हो रही है। अंत में आखिरी कार के एकांत में ल्यूक अपनी सांस लेने के लिए रुकता है। उसके अलगाव का भार उस पर पड़ता है। मदद के लिए दूर से चिल्लाने की आवाज सुनकर ल्यूक ने आने वाले अजनबी से सावधान होकर सहजता से कार का दरवाजा बंद कर दिया। आदमी सहायता की गुहार लगाता है। उसका लुप्त होता लाइटर आसन खतरे का संकेत दे रहा है। फिर भी अपने स्वयं के अस्तित्व से परेशान होकर ल्यूक सहायता से इनकार करता है। अपने अल्प संसाधनों को साझा करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे ही अंधेरा आदमी को घेरता है, ल्यूक अपनी एकांत खोज फिर से शुरू करता है। आवश्यक वस्तुओं के लिए सुनसान सड़कों पर घूमता है। ल्यूक एक दूर की धुन से आकर्षित होकर शांत शहर में एक नखलिस्तान सन्नी में शरण लेता है। तहखाने में उसकी मुलाकात जेम्स से होती है जो सशस्त्र और तनावग्रस्त है। शुरुआती तनाव के बावजूद उनकी मुठभेड़ से टकराव शुरू हो जाता है जो उनके शरण स्थल की नाजुक शांति को खतरे में डाल देता है। जेम्स की बेचैनी को देखते हुए ल्यूक सौहार्दपूर्ण पे और कहानियां साझा करने की पेशकश करता है। ल्यूक को शहर के अंधेरे के बीच अपनी खोई हुई माँ के लिए जेम्स की सतर्कता का पता चलता है। ल्यूक गंभीर रूप से समय को अपना दुश्मन मानता है। दिन ब दिन दिन का उजाला कम होता जा रहा है। ल्यूक की चेतावनियों के बावजूद जेम्स को अपनी माँ की वापसी की उम्मीद है। रोजमेरी के आगमन से तनाव और बढ़ जाता है क्योंकि वह अपने लापता बेटे मैनी की बेसब्री से तलाश कर रही है। इस बीच पॉल अराजकता के बीच एक अंधेरे शेड में शरण लेता है। रोजमेरी ने प्रारंभिक गायब होने के अपने कष्टदायक अनुभव को याद करते हुए आश्वस्त किया कि मैनी पब में है और मात्र प्रवृत्ति से प्रेरित है। भयानक सन्नाटे के बीच पॉल की चीखें रात को गुंजायमान कर रही थीं। एक प्रकाश स्तंभ तीनों को अनिश्चितता के दिल में खींच रहा था। ल्यूक की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद रोजमेरी और जेम्स के अटूट संकल्प ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। उनकी यात्रा जोखिमों से भरी थी। ल्यूक की इंद्रियां आसपास छिपी अशुभ छायाओं को देखकर तेज हो गईं, जो अतिक्रमणकारी अंधेरे की याद दिलाती थीं। जैसे ही वे पॉल के पास पहुंचे, निराशा के बीच आशा की एक किरण चमक उठी। एक सौर ऊर्जा से संचालित आश्रय, अराजकता के बीच एक अभयारण्य। प्रत्येक कदम के साथ अंधेरे का भूत और भी करीब आता गया और उन्हें अपने भयावह आलिंगन में समा लेने की धमकी देता रहा। समय के विरुद्ध दौड़ में ल्यूक की चमक उनकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई, अतिक्रमणकारी छाया के खिलाफ एक नाजुक बाधा बन गई। सन्नी के अभयारण्य के भीतर उन्होंने टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में पॉल के घावों की देखभाल की और उसकी कठिन परीक्षा से जुड़े रहस्यों को उजागर किया।
सिद्धांतों के आदान प्रदान के बीच रोजमेरी ने दैवीय प्रतिशोध की बात कही, जबकि ल्यूक ने हताशा और सुरक्षा से प्रेरित होकर इस धारणा को चुनौती दी। उसका ध्यान युवा जेम्स पर था, जो उभरती अराजकता में मासूमियत का प्रतीक था। जैसे ही बहस शुरू हुई, टिमटिमाती रोशनी उनकी अनिश्चित स्थिति की याद दिलाती रही। पॉल ने जनरेटर पर दबाव को महसूस करते हुए उनसे अनावश्यक भार कम करने का आग्रह किया, जो घटती शक्ति को बचाने के लिए एक व्यावहारिक कदम था। तहखाने में एक बंद दरवाजे ने उन्हें परेशान कर दिया, जिसे जेम्स ने संभावित भागने के मार्ग के रूप में पहचाना, अनिश्चितता का एक द्वार। हताशा के एक क्षण में पॉल की लातें जनरेटर की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठी, जो अस्थिरता और रोशनी के बीच एक संक्षिप्त नृत्य था। एक स्थिर चमक के साथ पॉल ने इतिहास में निहित एक कहानी को उजागर किया, रानोके की खोई हुई कॉलोनी। एक सभ्यता बिना किसी निशान के मिट गई और अपने पीछे गुप्त शिलालेख क्रोएशिया छोड़ गई। पॉल ने उनकी वर्तमान दुर्दशा में अतीत के धागे बुनते हुए एक ब्रह्मांडीय रीसेट पर अनुमान लगाया, एक अस्थिर शक्ति जो अस्तित्व की शतरंज की बिसात पर टुकड़ों को रीसेट कर रही है। अस्थिर माहौल के बीच पॉल के अचानक पतन ने उनके नाजुक संतुलन को भंग कर दिया, जिससे वे अनिश्चितता में डूब गए। उन्होंने धीरे से उसे पूल टेबल पर लिटा दिया, जहां रोजमेरी की मात्र प्रवृत्ति जोर पकड़ती है और तुरंत मंद रोशनी वाले अभयारण्य में बर्फ सेंकने के लिए कहती है। ल्यूक भयानक शांति में डूबा हुआ छाया के वर्णक्रमीय नृत्य को प्रतिबिंबित करता है, जिसने उसके अस्तित्व को परेशान कर दिया था। यादें फिर से उभर आती हैं, पेगे की परित्यक्त पोशाक का दृश्य, लुप्त हो चुकी वास्तविकता का एक मार्मिक अवशेष। ल्यूक लुप्त होती आत्माओं की रील में कैद वर्णक्रमीय बैले का गवाह बनता है। लाइव प्रसारण की घुसपैठ नाजुक शांति को चकनाचूर कर देती है, रसातल से एक आवाज, अतीत से एक संकेत भरी पुकार। शिकागो रिपोर्टर का रहस्यमय संदेश रहस्यमय तात्कालिकता से भरा हुआ अंधेरे में गूंजता है। परछाइयां मायावी और भ्रामक अनिश्चितता का ताना बाना बुनती हैं, वास्तविकता के ताने बाने पर संदेह पैदा करती हैं। जैसे ही एक बार फिर अंधेरा छाता है, ल्यूक रसातल में चला जाता है। दहलीज के पार वर्णक्रमीय बड़बड़ाहट के बीच पेगे की आवाज शून्य से एक भयावह प्रतिध्वनि इशारा करती है, छाया की भूल भुलैया में एक जलपरी गीत जो उसे लुप्त शहर के रहस्यमय और गहराई तक ले जाता है। जैसे ही वर्णक्रमीय प्रेत अतिक्रमण करते हैं, ल्यूक पीछे हट जाता है। जैसे ही ईथर के रूप उसके करीब आते हैं, उसका दिल मौलिक भय से धड़कने लगता है। संकल्प की लहर के साथ वो अपने कार्यालय में वापस चला जाता है, पर्दे को तोड़ देता है और सूरज की रोशनी के जीवनदायी आलिंगन के साथ अंतरिक्ष को भर देता है, अल्पकालिक धुंध की तरह छाया को बिखेर देता है। पब में वापस नई स्पष्टता से उत्साहित होकर ल्यूक गुप्त प्रसारण के खुलासे से लैस होकर प्रस्थान करने का संकल्प लेता है। शिकागो इशारा करता है अतिक्रमणकारी अंधेरे के बीच एक रहस्यमय प्रकाश स्तंभ। दृढ़ निश्चय के साथ ल्यूक ने अपनी योजना का खुलासा किया और अपने साथियों से अज्ञात की यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। रोजमेरी की मात्र प्रवृत्ति उसे पुनर्मिलन के वादे से बांधती है, जबकि जेम्स संतान संबंधी कर्तव्य से बंधा हुआ जिम्मेदारी के बोझ से जूझ रहा है। ल्यूक अनिच्छुक आत्माओं को आगे आने वाले अनिश्चित रास्ते को अपनाने के लिए राजी करता है। ल्यूक और रोजमेरी दृढ़ संकल्प से प्रेरित और अनिश्चितता से संयमित होकर अपनी खोज पर निकलते हैं। इस बीच जेम्स घायलों की देखभाल करता है, जिम्मेदारी के बोझ से उसके संकल्प की परीक्षा होती है। एक कोमल क्षण में रोजमेरी ने पॉल के साथ एक क्षणभंगुर चुंबन साझा किया, उनका संबंध बढ़ते अंधेरे के बीच आशा की चमक से जगमगा उठा। एक सौम्य स्पर्श के साथ वो जेम्स को एक चमकदार हार पहनाती है, जो सभा के निराशा में आश्वासन का प्रतीक है। बाहर रोजमेरी की टॉर्च की टिमटिमाती किरण उनकी घटती बिजली आपूर्ति की घटती ताकत को दर्शाती है, जो उनकी अनिश्चित दुर्दशा की एक गंभीर याद दिलाती है। साथ में वे ट्रक के वजन के विरुद्ध दबाव डालते हैं, यह अतिक्रमणकारी छाया का विरोध करने के उनके साझा दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण है। पब की सीमा के भीतर पॉल की करुण गुहार मंद रोशनी वाली जगह से गूंजती है, एक आखिरी धुन की उसकी इच्छा जीवन के क्षणभंगुर क्षणों की मार्मिक याद दिलाती है। जेम्स अपनी देखभाल में कर्तव्यनिष्ठ अपने मित्र के अनुरोध को पूरा करता है, संगीत की धुन रात की व्यस्तता के बीच सांत्वना प्रदान करती है। फिर भी अंधेरा निरंतर अपरिहार्यता के साथ उतरता है, उनके अभयारण्य को अनिश्चितता के पर्दे में ढक देता है। जैसे ही पॉल की चीखें सन्नाटे को चीरती हैं, भय उनके दिलों को जकड़ लेता है, जो उनकी घटती रोशनी की क्षीण चमक से परे छिपी भयावहता की याद दिलाती है। फुसफुसाती यादों और साझा यादों के बीच सौहार्द की भावना खिलती है, अतिक्रमण करने वाली छाया के खिलाफ एक नाजुक ढाल। उनकी श्रद्धा के बीच हलचल की एक झिलमिलाहट उनकी आँख को पकड़ती है,
एक क्षणभंगुर प्रेत अज्ञात खतरों का अगवा किया। जैसे जैसे भूतिया परछाइयां करीब आती हैं, रोजमेरी की त्वरित सोच उनके रास्ते को रोशन कर देती है और अतिक्रमण कर रहे अंधेरे के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण रोशनी डालती है। इस बीच पॉल की चिंता तब और बढ़ जाती है जब जेम्स उसकी कॉल का जवाब देने में विफल रहता है। जेम्स के परित्यक्त हार की खोज करते हुए पॉल अपने दोस्त की आवाज़ की हल्की गूंज से निर्देशित होकर तहखाने की गहराई में चला गया। लुप्त होती रोशनी के खिलाफ अपने संघर्ष में ल्यूक ने एक अस्थायी मशाल बनाई जो अंधेरे के अतिक्रमण के खिलाफ एक झलक है। रोजमेरी टिकाऊ रोशनी की तलाश में सावधानी बरतने का आग्रह करती है। वे अस्पताल की ओर जाते हैं जो एक पूर्व सूचक आश्रय स्थल है। पॉल के निरर्थक प्रयास अंधकार को बढ़ा रहे हैं। उसका मंत्र निराशाजनक रूप से गूंज रहा है। पॉल खुद को पूल टेबल पर वापस पाता है और जेम्स को बुलाता है जो व्यर्थ खोज रहा है। इस बीच रोजमेरी की कुशलता उसे अतिक्रमणकारी अंधेरे के विरुद्ध एक लाइट, एक कमजोर लौ का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी घटती रोशनी को जीवित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अस्पताल की गहराइयों में उतरती है। परछाइयों के करीब आने पर भी उसका संकल्प अटल रहता है। क्रूर धोखे के एक क्षण में एक अनदेखे शिशु की मर्मज्ञ विलाप रोजमेरी को उजाड़ सड़कों पर ले जाती है। उसकी उन्मत्त खोज से स्पॉटलाइट की कठोर चकाचौंध में केवल खोखले वादे मिलते हैं। कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए वह रात के खिलाफ अकेली खड़ी है। उसका मौन इस्तीफा भाग्य की निर्दयी सनक का प्रमाण है। त्रासदी से विचलित हुए बिना ल्यूक आगे बढ़ता है। उसका दृढ़ संकल्प तब भी अटूट रहता है जब अंधेरा एक और आत्मा का दावा करता है। आखिरकार ट्रक पहुंच जाने के बाद वह और जेम्स जनरेटर चलाने के अपने प्रयासों में जुट जाते हैं जो घोर निराशा के बीच आशा की एक टिमटिमाती किरण है। घबराया हुआ और दृढ़ निश्चयी ल्यूक ट्रक को उल्टा घुमाता है जिससे उसका हुड उन्हें आगे की सड़क देखने में बाधा डालता है। वह जेम्स से इंजन के संचालन को बनाए रखने के लिए गैस पैडल के दबाव को बनाए रखने का आग्रह करता है। जबकि वह हुड से जूझता है, उनकी दृष्टि रेखा को बहाल करने के लिए सख्त प्रयास करता है। फिर भी जेम्स की नज़र चर्च के दूर के छायाचित्र पर टिकी हुई है जो अतिक्रमणकारी अंधेरे के बीच आशा की किरण है। ल्यूक के निर्देशों की अवहेलना करते हुए जेम्स अपनी माँ के साथ पुनर्मिलन के मायावी वादे से प्रेरित होकर चर्च के पवित्र हॉल में सांत्वना तलाशने का संकल्प लेता है। जैसे ही जेम्स चर्च की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ता है, ल्यूक का विरोध अनसुना हो जाता है जिससे ल्यूक वफादारी और आवश्यकता के बीच उलझ जाता है। हर गुजरते मील के साथ ल्यूक की शिकागो यात्रा भयानक संकेतों से घिरी हुई है। क्रोएशिया का अशुभ शिलालेख अशुभ रूप से ऊपर मंडरा रहा है जो आसन्न खतरे का अग्रदूत है। इस बीच चर्च के उदास इंटीरियर के भीतर पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए जेम्स की खोज अनजाने में अतिक्रमण करने वाली परछाइयों को आमंत्रित करती है। उनकी भयावह उपस्थिति उसकी धारणा से परे छिपी हुई है। जैसे ही जेम्स की अपनी माँ की खोज उसे चर्च की छायादार जगहों में गहराई तक ले जाती है, अंधेरे का भूत अंदर आ जाता है जो उसे अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार होता है। जैसे ही जेम्स वेदी के पास पहुंचता है, परित्यक्त कपड़ों को देखकर आशा कम हो जाती है जो टूटी हुई उम्मीदों का एक मूक प्रमाण है। आगामी अंधेरे में ल्यूक की उन्मत्त खोज को परछाइयों ने निगल लिया जिससे वो चर्च के भयावह आलिंगन में फंस गया। बढ़ते अंधेरे के बीच जेम्स मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी से चिपक जाता है और चारों ओर फैले शून्य के सामने अपने अस्तित्व का दृढ़ता से दावा करता है। फिर भी क्षीण चमक भी छाया के निरंतर आगे बढ़ने के आगे झुक जाती है जिससे जेम्स और ल्यूक अनिश्चितता की खाई में गिर जाते हैं। भोर के आगमन के साथ शहर का दृश्य उभरता है, सुनसान सड़कों की एक भयानक झांकी और उनकी दुर्दशा के मूक गवाह। एक उल्लेखनीय मोड़ में जेम्स जली हुई मोमबत्तियों के बीच जागता है जिसका स्वागत ब्रायना द्वारा किया जाता है जो अंधेरे से घिरी दुनिया में जीवित रहने का एक प्रतीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाली टॉर्च से बंधी ब्रियाना की साधन कुशलता बढ़ती निराशा के बीच आशा की एक किरण प्रदान करती है। सूर्य के प्रकाश की क्षणिक प्रकृति के बावजूद उनकी यात्रा एक उजाड़ शहर परिदृश्य की पृष्ठभूमि में सामने आती है जिसमें एक घोड़े के साथ अचानक मुठभेड़ होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच लचीलेपन का प्रतीक है। साझा संकल्प से एकजुट होकर जेम्स और ब्रियाना शिकागो की ओर एक यात्रा पर निकलते हैं जो टिमटिमाती रोशनी से निर्देशित होती है जो उनके रास्ते की शुरुआत करती है। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं और रात घिरती जाती है, ल्यूक, पॉल और रोजमेरी की वर्णक्रमीय आकृतियां अंधेरे से घिरी दुनिया के संरक्षक प्रहरी बनकर खड़ी हो जाती हैं। पॉल की रोनोक कॉलोनी से तुलना ल्यूक की रहस्यमय शब्द क्रोएटोन की खोज के साथ मिलकर उनकी दुर्दशा और सदियों से सुलझे हुए ऐतिहासिक रहस्य के बीच भयावह समानता को रेखांकित करती है। रानो के वासियों के बेवजह गायब होने की घटना उनकी खुद की सामने आने वाली त्रासदी में एक भयानक प्रतिध्वनि पाती है।
एक कट्टर प्रतिद्वंद्वी के सामने जेम्स और ब्रियाना की यात्रा अदम्य मानवीय भावना का एक मार्मिक प्रमाण बन जाती है। फिर भी उनके साहसिक प्रयास अंततः उन परछाइयों की तीव्र प्रगति के सामने निरर्थक साबित हो सकते हैं जो उन्हें घेरने की धमकी देती हैं। अंत में अतिक्रमणकारी अंधेरे से कोई शरण नहीं है, उस निरंतर ज्वार से कोई शरण नहीं है जो अपने रास्ते में सभी को निगल जाता है।